जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने भगवान और भक्त की निस्वार्थ प्रेम की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक समय श्री रंगनाथ मंदिर के महंत, जो कि प्रभु के बहुत प्रिय भक्त भी थे, अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर दक्षिण में तीर्थ दर्शन करते हुए एक नगर में पहुँचे। संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देख महंत जी का मन हुआ यहीं कुछ देर विश्राम कर भोजन प्रसाद बनाकर हरिनाम व कीर्तन किया जाए। संयोग से वह स्थान एक वेश्या का था। वेश्या वहीं पास के भवन में रहती थी। महंत जी और उनके शिष्यों को इस बात का पता नहीं था कि जिस जगह वह रुके हैं, विश्राम व भोजन प्रसादी कर रहे हैं, वो स्थान एक वेश्या का है। वेश्या भी दूर से अपने भवन से हरि भक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। द्वार पर बहुत सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अपने साथ अपने ठाकुर जी को भी लाए, आज मानो संतों के प्रभाव मात्र से पाप आसक्त उस वेश्या के हृदय में भी प्रभु का प्रेम प्रफुल्लित हो रहा हो। स्वयं को बड़भागी जान उसने संतों को विघ्न न हो ये जानकर तथा अपने बारे में कुछ न बताकर दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। जब सभी संतों का भोजन प्रसाद व कीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वेश्या ने एक थाल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत जी के समक्ष प्रस्तुत हुई और महंत जी को प्रणाम किया। वह बताया कि ये स्थान मेरा ही है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। महंत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई ये जानकर और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने भी कहा कि यह बहुत ही रमणीय स्थान है, हमारे ठाकुर जी को भी बड़ा पसंद आया है यह स्थान, संकीर्तन में भी बड़ा मन लगा। अब वेश्या ने वो स्वर्ण से भरा हुआ थाल महंत जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव होता है वो बिना जाने किसी भी अयोग्य व्यक्ति का धन या सेवा नहीं लेते हैं और शास्त्र भी अनुमति नहीं देता है। अतः महंत जी ने उस वेश्या से कहा, हम बिना जाने ये धन स्वीकार नहीं कर सकते, आपने किस तरह से यह धन अर्जित किया है। वेश्या ने भी द्वार पर आए संतों से झूठ न कहकर सारी बात सच सच बता दी कि मैं एक वेश्या हूँ, समाज के आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने यह धन अर्जित किया है। इतना कहकर वह महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पण करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वह महंत जी से श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगी। महंत जी को भी दया आई उसके इस अनुग्रह पर, लेकिन वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि वेश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी और यदि शरण में आए हुए को स्वीकारा नहीं, मार्ग नहीं दिखाया तो संत धर्म की हानि। अब महंत जी ने अपने रंगनाथ जी का ध्यान किया और उन्हीं को साक्षी कर वेश्या के सामने शर्त रखी और कहा, हम तो ये धन स्वीकार नहीं कर सकते, यदि तुम हृदय से अपने इस बुरे कर्म को छोड़ना ही चाहती हो तो ऐसा करो, इस पाप कर्म से अर्जित की हुई सारी संपत्ति को तुम तुरंत बेचकर जो धन आए उससे हमारे रंगनाथ जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनवाओ। यदि हमारे प्रभु वह मुकुट स्वीकार कर लें तो समझ लेना उन्होंने तुम्हें माफ करके अपनी कृपा प्रदान की है। वेश्या का मन तो पहले ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा शिरोधार्य कर तुरंत ही संपूर्ण संपत्ति बेचकर उसने रंगनाथ जी के लिए 3 लाख रुपए का सुंदर मुकुट बनवाया। कुछ ही दिनों में वेश्या ने मुकुट बनवाकर अपने नगर से महंत जी के साथ रंगनाथ जी मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचते ही जब यह बात समस्त ग्रामवासियों को मंदिर के पुजारियों को पता चली कि अब वेश्या के धन से अर्जित मुकुट रंगनाथ जी धारण करेंगे तो सभी अपना अपना रोष व्यक्त करने लगे और महंत जी और उस वेश्या का मजाक उड़ाने लगे। महंत जी सिद्ध पुरुष थे,
और रंगनाथ जी के सर्वविदित प्रेमी भक्त भी थे, तो किसी ने उनका विरोध करने की चेष्टा नहीं की। अब देखिए, जैसे ही वो वेश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार तक पहुंची ही थी कि पूर्व का पाप बीच में आ गया। वेश्या वहीं रज शवला हो गई, माथा पीट लिया, अपना फूट फूट कर रोने लगी, मूर्छित होके भूमि पे गिर पड़ी। हाय महादुख, संत की कृपा हुई, रंगनाथ जी का अनुग्रह प्रदान होने ही वाला था कि रज शवला हो गई, मंदिर में जाने लायक ही न रही। सब लोग हंसी उड़ाने लगे, पुजारी भी महंत जी को कोसने लगे। अब महंत जी भी क्या करते, उन्होंने वेश्या के हाथ से मुकुट लेकर स्वयं रंगनाथ जी के गर्भ प्रवेश कर श्री रंगनाथ जी को मुकुट पहनाने लगे। इधर महंत जी बार बार मुकुट प्रभु के मस्तक पर धराए और रंग जी धारण ही ना करे, मुकुट बार बार रंगनाथ जी के मस्तक से गिर जाए। अब वो महंत जी भी निराश हो गए, सोचने लगे, हमसे ही बहुत बड़ा अपराध हुआ है, शायद प्रभु ने उस वेश्या को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ठाकुर जी मुकुट धारण नहीं कर रहे हैं। अपने भक्त को निराश देखकर रंगनाथ जी से रहा नहीं गया, अपने श्री विग्रह से ही बोल पड़े, बाबा आप निराश मत हो, हमने तो उसी दिन उस वेश्या को स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। महंत जी ने बोला, प्रभु जब स्वीकार कर ही लिया है तो फिर उस बेचारी का लाया हुआ मुकुट धारण क्यों नहीं कर रहे हैं। रंगनाथ जी बोले, मुकुट तो हम उसी वेश्या के हाथ से धारण करेंगे, इतने प्रेम से लाई है तो पहनेंगे भी उसी के हाथ से, उसे तो तू बाहर ही छोड़कर आ गया है और खुद मुकुट पहना रहा है मुझको। महंत जी ने कहा, प्रभु जी वो रज शवला है, वो मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकती। अब तो रंगनाथ जी जिद करने लगे, इसी समय लाओ, हम तो उसी के हाथ से पहनेंगे मुकुट। मंदिर के समस्त पुजारियों ने प्रभु की ये आज्ञा सुन दांतों तले उंगलियां दबा ली, सब विस्मित से हो गए, संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया, जिसने सुना वो अचंभित हो गया। रंगनाथ जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस वेश्या को सम्मानपूर्वक मंदिर में प्रवेश करवाया गया। अपने हाथों से वेश्या रंगनाथ जी को मुकुट धारण कराने लगी, नैनों से अविरल अश्रुओं की धारा बह रही थी, कितनी अद्भुत दशा हुई होगी जरा सोचो। रंगनाथ जी भक्त की इसी दशा का तो आनंद ले रहे थे। रंगनाथ जी का श्री विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ता है, भक्त के अश्रुओं से प्रभु के संपूर्ण मुखारविंद को मानो अभिषेक हो गया, वेश्या के मुख से शब्द नहीं निकल रहे, नयन अविरल अश्रु बहा रहे हैं, अवर्णनीय दशा है। आज रंगनाथ जी ने उस प्रेम स्वरूप भेंट स्वीकार करने हेतु अपना मस्तक नीचे झुका दिया और मुकुट धारण कर उस वेश्या को वो पद प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े देवता संत महात्मा हजारों वर्ष तप अनुष्ठान करते हैं पर महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। कोटि कोटि वंदन है ऐसे संत को जो उस अनाधिकारी वेश्या पर अनुग्रह कर श्री गोविंद के चरणों का अनुसरण करवाया। वास्तव में प्रभु का ये ही शाश्वत सत्य स्वरूप है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही रिझते हैं। लाख जतन कर लो, हजारों नियम कायदे बना लो, परंतु यदि भावपूर्ण भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है। दीन दयाल करुणा निधान प्रभु, तब जब किसी भक्त की करुण पुकार पहुंचती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते और दौड़े चले आते हैं निज भक्त के पास। प्रभु तो स्वयं प्रेम की डोरी में स्वयं बंधने के लिए तत्पर रहते हैं, परंतु उन्हें निश्चल प्रेम में बांधने वाला कोई विरला ही होता है। जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई नई कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।